Telangana Sarkar, Khususan Chandrasekhar Mukhyamantri ke zamane mein pehli martaba main dekh raha hu Baba Saheb Ambedkar ke saath nainsafi ho raha. 14 April desh bhar mein nahi dusre deshon mein bhi Ambedkar ka birthday manate. Ek din pehle Ambedkar ka statue Ambedkar ke followers lagaye. वहाँ पर ऑलरेडी एक स्टैचू है राजशेखर रेड्डी का, उसके बाजू लगाने में पुलिस मदद करी, सब करी, मगर 13 के सुबह में म्युनिसिपल अथॉरिटी आके उसको डिस्ट्रॉय करे और जाके कचरा कुंडी में डाल दिए. इसके वजह से क्या बोलते हैं, इलेक्शन कोड है भाई, इलेक्शन कोड भी खत्म हो गया. उसके बाद लगाने के वादे करे मगर कोई नहीं लगाए. वही जगह पे मैं 5 लाख रुपए खर्चा करके एक बढ़िया अंबेडकर का स्टैचू हमारे दोस्त हर्ष कुमार के सपोर्ट से मैं बना के लाया. लगाने जाए अर्ली आवर्स में 150 पुलिस और अंबेडकर को जैसा उठा के ले गए, जैसा टेररिस्ट को उठा के ले गए सर का लिया, कि आज लॉकअप में डाल दिए. मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों अंबेडकर के साथ ना ही, तो ये देशद्रोही है या नक्सलाइट है. एक तरफ तो पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में उन्हें लिखे सो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक या पार्लियामेंट लोग बात कर रहे हैं, देश के हित में बात कर रहे हैं, मगर जो पार्लियामेंट के वास्ते कॉन्स्टिट्यूशन लिखे सो वाले को आज ले जाके लॉकअप में रखे. तो इसी वजह से ये जंतर मंतर में बैठ के लोगों को, आवाम को बताने के वास्ते अम्बेडकर के साथ क्या ना इंसाफी हो रहा. तो लोग को जाना, हर आदमी पॉलिटिकल में जब भी बात करेंगे हर जन गिरिजन बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, मगर अंबेडकर के साथ ये ना इंसाफी हो रहा. वहीं जगह पे फिर अंबेडकर का स्टैचू लगाएंगे. तो जब भी ये जो आर्टिकल 3 ये भी बोला, जब भी तेलंगाना बनेगा तो एक हरिजन को चीफ मिनिस्टर बना तुम, बोला हरिजन को छोड़ो अंबेडकर को ले आके लॉकअप में रखा. ये सरकार का ये दादागिरी चल रहा. इसको कल पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट चलते वक्त हमारे एमपीज भी इस पे उठाना चाहिए, वो अंबेडकर का स्टैचू वहीं लगाएंगे. तो जब भी जब आर्टिकल 3 का जो सही इंसाफ मिलता, आज KCR अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ रहे, राजा महाराजा समझ रहे. अगर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन 3 नहीं लिखे तो आज तेलंगाना नहीं बनता था, नहीं बनता था, नहीं बनता था. शिकायत पर प्रशासन का क्या रवैया है? शासन यही बोल रहा है कि भाई उल्टा हमारे ऊपर केसेस लगाए, अंबेडकर का स्टैचू लगाए थे हमारे ऊपर, नॉन बेलेबल वारंट निकाले, फिर भी हम बेल लेके बाहर आए. तो इसी वजह से अंबेडकर देश भर में हर आदमी अंबेडकर की भाषा बात करते है. इलेक्शन आए तो हरिजन गिरिजन की बात करते हैं, मगर अंबेडकर के वजह से आज हर आदमी आज रोड पे चल रहा, नौकरियां कर रहा, और OBC वालों को भी 27% देने के वजह से आज OBC भी सरकार में नौकरी मिल रहा. मगर मैं चाहता हूँ KCR जो दादागिरी कर रहा है इसके खिलाफ पार्लियामेंट में MP से आवाज उठाना चाहिए. और सबसे बैड लक क्या है, TRS के MP भी खामोश बैठे हुए. हमारा अंबेडकर थिफ्ट करे, लॉकअप में रखे, तो मैं अभी कोर्ट में भी PIL डाल रहा हूँ ताकि लोगों को पता चलना है. KCR हर चीज में नंबर 1 बोल रहा, अंबेडकर को लॉकअप में डालने भी नंबर 1 है, अंबेडकर के स्टैचू तोड़ने भी नंबर 1 है. और वोट तो गरीबों का लेते हैं और गरीब के नेता अंबेडकर के साथ नाइंसाफी हो रहा. इसी वजह से पार्लियामेंट में पार्लियामेंट मेंबर्स हर पार्टी के लोगों से मेरी गुजारिश है, अंबेडकर कोई पार्टी का आदमी नहीं है, उनके उनके साथ नाइंसाफिया हर आदमी पार्लियामेंट में आवाज उठाना चाहिए. यही मैं इसी वजह से यहाँ पर 24 आवर्स इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक है, आवाम को बताना चाह रहा हूँ अंबेडकर के साथ कितना नाइंसाफी हो रहा, यही बताने. फॉर्मर PCC प्रेसिडेंट हूँ, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ, और पार्लियामेंट में OBC MPs का फोरम के नाते 11 साल लड़ा. IIT IIM में रिजर्वेशन लाया, OBC पार्लियामेंट कमेटी भी बनाया. ये हनुमंत राव का देन है और अंबेडकर हमारा लीडर है.
लीडर ही नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाए सो भगवान है।